सो हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि जैसे कि आजकल क्या हो गया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों साथ में ऐड हो गए हैं। मतलब जो इंस्टाग्राम फेसबुक होता है ऐड हो गए हैं, तो इसको बहुत लोग ऐड कर लिए हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, और बताऊंगा इसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा बहुत फायदा है दोस्तों, आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटर हैं, ज्यादा वीडियो वगैरह स्टोरी वगैरह अपलोड करते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता है, बहुत लोग फेसबुक पे स्टोरी लगाते हैं तो इंस्टा भी लगाना पड़ता है, इंस्टा पे लगाते हैं तो फेसबुक पे लगाना पड़ता है। वो लोग इंस्टा पे वीडियो अपलोड करते हैं तो फेसबुक पे भी वही वीडियो उठा के अपलोड करना पड़ता है, स्टोरी लगाने पड़ते हैं। तो ये सब झंझट ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, अगर आप पोस्ट वगैरह एक जगह पर, अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई रील वीडियो या पोस्ट या स्टोरी कर देते हैं तो डायरेक्ट फेसबुक पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये कैसे सब होता है दोस्तों, ये ऐड करने से होता है। जैसे आप फेसबुक पे ऐड किए रहते हैं तभी इसका फायदा आप उठा पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन करना होगा दोस्तों। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल वाले अपने सेक्शन पे चले जाना होगा अपने डैशबोर्ड में। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद, फिर थ्री लाइन पे जैसे ही आपने क्लिक किया, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आ गया आपका अकाउंट सेंटर। ठीक, तो अकाउंट सेंटर पे आपको नहीं क्लिक करना होगा, आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद दोस्तों मैं बताऊंगा कहां क्लिक करना होगा। तो यहां पर लिखा है शेयर रिमिक्स, तो ठीक है शेयर रिमिक्स पे क्लिक करना। आप सोचेंगे यहाँ पर तो हमको इंस्टा से फेसबुक लिंक करना, तो ये शेयर का ऑप्शन क्यों आ गया। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ये ऑप्शन आता है, तो मैं शेयर के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चला जाता हूँ। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सी एप्स, आपको बहुत नीचे आना होगा। देखिए मैंने कितना नीचे आ गया, यहाँ पर कहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, सबसे नीचे आपको जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा सी एप, ठीक है सी ऐप पे आपको क्लिक करना होगा। सी ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया फेसबुक, व्हाट्सअप, थ्रेड। मतलब आप इंस्टाग्राम को किसी से भी लिंक कर सकते हैं, व्हाट्सअप से भी लिंक कर सकते हैं, फेसबुक से भी। तो भाई मैं फेसबुक पे ऐसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब आ गई हमारी आईडी। ठीक है, तो हमारी दो तीन इंस्टाग्राम आईडी है, तीन इंस्टाग्राम आईडी है, बट मैं अपने फेसबुक से ये वाली आईडी लिंक करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बताया अपनी दूसरी आईडी। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अगर लिंक करते हैं आप आईडी तो टू शेयर स्टोरी पोस्ट एड अकाउंट, मतलब सेम सेम जो अकाउंट का मेटा डाटा है, मतलब जो इस अकाउंट का स्टोरी है पोस्ट है, सब आपके फेसबुक अकाउंट पे भी पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहां पर क्या करते हैं, मैं ऐड करने के लिए कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फिनिश एडिंग योर अकाउंट, मतलब यहाँ पर बता रहा है सारा फिनिश हो रहा है, आपको कैसे करना हो। तो यहाँ पर लिखा एस एंड दिलजले भाई, मतलब एस एड दिलजले भाई, दिलजले भाई जो हमारी आईडी है फेसबुक की, यहाँ पर इंस्टाग्राम से लिंक हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर करता हूँ ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पर लोड हो रहा है भैया, चकरी चल रही है। तो यहाँ पर जैसे कि थोड़ा टाइम वेट कर लेता हूँ, वेट करने के बाद हो गए ऐड, अब ये हो गए ऐड। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक ये डिडक्ट हो गया, कुछ मैंने ओपन नहीं किया है, ऐसा हो गया। मतलब ये शेयर हो जाएगा, प्रोफाइल आपस में शेयर होगी। और फिर इसके बाद मैं दिखा देता हूँ क्या शेयर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर फेसबुक से हमारा जो लिंक है ये शेयर हो रहा है पहले से। ठीक है, मैं यहाँ पर देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा लिंक होता है, लिंक होने के अगर मैं कोई रील वीडियो अपलोड करता हूँ, रील वीडियो का तो उसका क्या फायदा है, हमारा रील वीडियो यहाँ पर है। तो ये मैं पहले ऑन कर देता हूँ यहाँ पर जाने के बाद, तो ये हमारा आप फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं टर्न ऑन ऑल रील कर देता हूँ, जैसे रील वीडियो, तो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्लिक करते हैं तो आप जो अभी जस्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं वही अपलोड होगा, बट ये जो है तो ये कोई भी आप इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट फेसबुक पे चला जाएगा। तो मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर लिखा ऑन, यहाँ पर फिर से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन आपका ऑन आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर स्टोरी का भी सेम तरीका है, यहाँ पर जैसे कोई स्टोरी हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप जब भी अपलोड कीजिए तो ये यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी नया नया फेसबुक आपका ऐड हुआ। तो यहाँ पर जब शेयर करते हैं तो आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे और फेसबुक पे दोनों पे शेयर हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी टेक्निकल वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।